हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो 5 बजे उठकर मैं नहा ली थी, फिर किचन में आ गई थी क्योंकि आज हमारा उपवास था एकादशी का। द्वादशी के साथ जो एकादशी थी उसमें हमने उपवास किया था और तुलसी विवाह करने का सोचा था। तो इनकी टिफ़िन के लिए आज मैं ये जो मखानी है ना, फूल मखानी, वो घी में रोस्ट कर दूँगी और फिर जो है सावक बना दूँगी। एकादशी पर सेंधा नमक और डलता है और वो अन्न नहीं लेते, तो ऐसे करके ये हो गए थे। तो इसी पर मैं चढ़ा दूँगी अगला घी और साथ में चाय हमारी हो चुकी थी तो मैंने बंद कर दी थी क्योंकि ये नहा रहे थे। तो इसमें मैं बना दूंगी सावक और फिर इन आज मुझे जल्दी जल्दी काम करने थे। मैंने सोचा था तुलसी विवाह करेंगे तो मैंने सारी तैयारियां कर रखी थी, चुनरी वगैरह भी लेके आई थी, शालिग्राम जी भी मैं लेके आई थी और मुझे रंगोली वगैरह का भी सारा काम करना था और फिर छत वगैरह भी साफ करनी थी। फिर मैंने सोचा था वहाँ पर गन्ने का मंडप और लगा के मैं तुलसी विवाह करूँगी। बट क्या था ना, आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आलू डाल रही हूँ और फिर मैं ये सावक बना दूंगी। तो जल्दी जल्दी मुझे सफाई वगैरह करनी थी और फिर आगे के काम भी काफ़ी होते हैं। मैंने सोचा था लहंगा भी बनाऊंगी, तो लहंगे के लिए भी तुलसी जी का कपड़ा रखा था, पीले वस्त्र चढ़ाते हैं शालिग्राम जी को, वो भी सारी तैयारियाँ मेरी थी। और माला वाला कुछ जो थी वो इनसे मुझे मंगवानी थी वरमाला वगैरह के लिए। तो ये मैं टिफ़िन में डाल दे रही हूँ। इनका टिफ़िन लगा के जब सावक हो गए थे ना तो मैंने इनको लगा करके दे दिया था। फिर मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि एकदम से एक बार ना इनका टिफ़िन बनाना होता है ना, तो मैं एक बार वापस नहा के ना ऐसे कपड़े डाल लेती हूँ, गाउन वगैरह डाल लेती हूँ जो दूसरे वाले, ऐसा नहीं कि वही डाल लिया रात वाला ही नहीं। तो ये ग्रॉसरी भी आई हुई थी तो मैंने सोचा था इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो इसको भी सजाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है फिर बनती है। फिर मैंने सोचा अब एकादशी है तो अन्न तो होगा नहीं, तो व्रत वाली आलू की सब्जी बन जाएगी, व्रत और इन्हीं आलू से वो पूड़ी बन जाती है ना कुट्टू के आटे की, तो वो बन जाएंगी। तो मैंने क्या किया, ये सारे डाल करके आलू इसमें उबालने के लिए रख दूँगी। जब साथ साथ में ये उबलते रहेंगे और मैं जो है वो बर्तन वगैरह कर लूँगी और फिर सफाई वगैरह कर लूँगी, कपड़े जो है वो मशीन में डाल दूंगी। कुछ कपड़े होते हैं जो हाथों से धोने होते हैं, रंग छोड़ते हैं, तो काम तो बहुत सारा होता है। सुबह 5 बजे से इसीलिए लगी हुई हूँ कि भाई और ज़्यादा जल्दी हो जाए तो मैं तुलसी विवाह की अच्छे से तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन किए थे, अभी बर्तन के लिए वो भाभी को बोला ही नहीं है, जो भाभी है ना पास में रहती हूँ जिनको पहले बुलाते थे, फिर बोलना हो ही नहीं रहा। मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ और जिस टाइम पे निकलती हूँ तो वो मुझे दिखती नहीं है और इनको भी दिखती नहीं है, तो हम कह ही नहीं पा रहे क्योंकि अभी बर्तन सर्दियों में करना मेरे बस की वैसे नहीं होती क्योंकि ज़्यादा रहती है मुझे खांसी जुकाम और सांस की प्रॉब्लम रहती है। तो आजकल ये कहते हैं कि लगाई लिया करो, पहले तो मैं नहीं लगाती थी, खुद ही करती रहती थी, बट अभी भी देखो सर्दियाँ आते ही बस मेरी तबीयत ऐसी हो गई। तो बस ये कपड़े जो है ना थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है, मशीन में ही डाल रही हूँ। वैसे तो हाथ से धो सकते हैं लेकिन जितना ज़्यादा पानी का करूँगी तो वो मेरे लिए ख़राब है क्योंकि फिर व्लॉग्स भी मुझसे नहीं बनते हैं और तबीयत ख़राब रहती है, तो ऐसे करके। तो ये मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ मशीन में और आगे के फिर अपने सफाई वाला काम करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था भैया छत पर अच्छी सी रंगोली बनाऊँगी। और गन्ना मुझे मिल नहीं रहा था, पिछले दिन भी मैं काफ़ी घूमी थी, गन्ने मुझे नहीं मिल रहे थे। गन्ने का मंडप लगाओ ना बहुत शुभ होता है। तो फिर ये जो पिछली रात को इन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी ऐसे करके, इलू और इन्होंने मेरे हस्बैंड ने इलू के चैनल के लिए, तो वो कपड़े और फिर हम लोग जाके आए थे, चिल्ड्रंस डे था तो वो भी सेलिब्रेट किया था। तो फिर आके मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी क्योंकि बाहर जाके मैं बच्चे के लिए कर तो लेती हूँ कि चलो चले जाओ कर लो, बट फिर वो सर्दी लग जाती है ना तो फिर दिक्कत होती है। तो फिर ये वाले कपड़े रखे थे तो मैंने कहा चलो ये पहले समेट देते हैं, इनको समेट के और फिर आगे का काम करेंगे, उतने में इलू भी उठ जाएगी तो सही रहेगा क्योंकि ये चले जाते हैं उसके बाद। आजकल क्या है, थोड़ा सा इलू के लेट लगती है क्लासेस, 8:20 पे होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो बस ये सारे समेट किए थे और उतने में फिर इलू भी जग गई थी, तो मैंने कहा आप चलो झाड़ू वगैरह दे लेते हैं और झाड़ू दे के पोछा वगैरह किया। फिर मुझे छत की भी करनी थी, लेकिन इतना सब कुछ तैयारी की लेकिन मेरा सब कुछ धरा का धरा रह गया, तो इसी विवाह में नहीं कर पाई। काफ़ी मैंने सोचा था, फर्स्ट टाइम करने वाली थी मैं अपने हाथों से, तो हमने सोचा था दोनों दंपति जो है व्रत रख लेते हैं और फिर ऐसे करके सुबह को पारण वगैरह भी करेंगे, तुलसी एक तुलसी जी को दान में भी देंगे मंदिर में, ऐसे करके पूरा विधि विधान से करती मैं, लेकिन वो मंजूर नहीं था शायद भगवान को तो वो हो नहीं पाया। तो
बस फिर मैं छत की पूरी झाड़ू लगाने आ गई, क्योंकि वहाँ दिवाली पे मम्मी के उधर चली गई थी। तो ये बात पे भी मुझे बात करनी है। अभी मुझे इस बात से ध्यान आया कि कुछ लोगों ने पूछा था आपने वहाँ पे क्यों मनाई, तो इसकी भी मैं बताऊंगी। दिवाली वाला व्लॉग भी मेरा रह गया, क्योंकि पहले मैंने भाई की एनिवर्सरी वाला डाल दिया तो लेट पे लेट हो गया ना, तो फिर मैंने सोचा इतना लेट क्या डालूँ, लेकिन अब मैं सोचूँ बना हुआ है तो एक यादें रखी होती है ना, तो वो डाल ही दूँ। तो नेक्स्ट डे में भी मैं डाल दूं। और बस यहाँ पे मैंने पूरी छत की झाड़ू लगा ली थी, ये देखिए छत मेरी सारी क्लीन हो गई है। और मैंने सोचा था कि एक जगह पे मंडप लगाएंगे, रंगोली बनाएंगे, बट हो नहीं पाया। फिर ये जो है ना कपड़े भी हो गए थे मशीन में आधे, और आधे मुझे और धोने करने थे, तो वो भी सुखाने का था। तो बस यहाँ पे ये कपड़े सुखाए और फिर मेरी तबीयत खराब होने लग गई। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं दवाई ली मैंने और फिर मैं सो गई, और सोकर उठी फिर ये आए, फिर इन्होंने चाय वाय पिलाई, ऐसे करके फिर जो सारी प्लानिंग थी ना वो धरी की धरी रह गई। जो जितनी भी मैंने तैयारियां की थी शालिग्राम जी और लेके आई थी, वो सब ऐसे ही रह गया। तो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, होता है कई कई बार हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाए, चाय, फिर थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगी वापस से बाल धो के, और ईलू का भी ब्रेकफास्ट चढ़ा हुआ है गैस पे, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके हैं और आज काफ़ी कुछ करना था, बहुत कुछ सोच रखा था, बट कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वही होता है ना, जो मंजूर है खुदा हो होता है। तो कुछ हो नहीं पाया, काफ़ी तैयारी भी की थी। तो सुबह से 5 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मैं दवाई लेके अभी सो गई थी। और जब आप लास्ट अभी आपने देखा होगा ना बात करते हुए मुझे, तब मैं सो गई थी। फिर उठी ये आए तो इन्होंने चाय पिलाई और टोस्ट वगैरह खिलाई मुझे। तो एक्चुअली मुझे करना था तुलसी विवाह और सब कुछ करना था, पूरी तैयारी मैंने की थी। कल मैं चुनरी वगैरह लेके आई थी, शालिग्राम जी भी मैं लेके आई थी, सोचा था, लेकिन कहीं कहीं एक लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे पूरा विधि विधान से करना था। तो गन्ने का मंडप सजा के, पीले वस्त्र चढ़ा के शालिग्राम जी को, और ऐसे करके रंगोली भी बनानी थी, इसीलिए मैंने छतरी भी साफ की थी, फिर रंगोली बनाने वाली थी, फिर सब कुछ करना था मुझे। फिर तुलसी विवाह वैसे तो मैं और ईलू ही करवाते, क्योंकि ये तो होते नहीं है, तो हमने फास्ट भी उपवास भी इसी लिए रखा था, इन्होंने भी और मैंने भी जोड़े से। बट फिर अभी उपवास और करने का कोई मतलब नहीं, अब मैं कर नहीं सकती, आप लोग समझ जाएंगे, तो इसीलिए उपवास का भी कोई रहा नहीं, मेरा लगेगा ही नहीं। तो फिर इन्होंने चाय और मुझे टोस्ट अभी दिए, क्योंकि मैंने दवाई ली थी। फिर जब मैंने इसको नाश्ता करवाया था ना, उसके बाद सोई उठ के फिर इसके लिए आलू के पराठे बनाए। मैंने आलू भी खूब सारे उबाल के रख दिए थे, ताकि कि सुबह शाम को ना वो फलाहारी करते हैं ना एकादशी में, तो पूड़ियाँ बन जाएगी व्रत वाली, और व्रत वाली आलू की सब्ज़ी। बट कुछ भी नहीं हो पाया। ग्रॉसरी भी मुझे दिखानी थी, वो भी मैंने नहीं दिखाई। फिर अभी आएंगे, और अगर इन्होंने कर दिया, वैसे कहने पर कर देते हैं कि ग्रॉसरी की वीडियो बना दो, तो बना देंगे। सोच रही हूँ प्राइस राइस के साथ बता दे, इस बार ज़्यादा नहीं मैं लाई, क्योंकि जितना कई चीज़ें रखी थी, बट मुझे एक वो पता नहीं रहता है कि जो चीज़ रखी है वो भी थोड़ी थोड़ी, भले 250-250 ग्राम ले लूँ, चाहे 100-100 ग्राम ले लूँ, लेकिन ले लूँ। तो वो मैंने ऐसे थोड़ी थोड़ी लिख दी थी, क्यों हंस रही है, तो होती भी है ना वो चीज़, तो मैं लिख देती हूँ। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स से तो भी मैंने 100-100 ग्राम लिख दिए, जैसे कि मेरे पास दालें सारी थी, ज़रूरी नहीं थी, बट फिर भी मैंने पापा भर लिख दी, तो ऐसे करके। तो क्योंकि 15 दिन ही बचे अब, क्योंकि इसलिए, तो यार देखती हूँ आगे कुछ कंटिन्यू कर पाऊँगी, व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, ये आएंगे तब देखते हैं क्या रहता है। तो इसलिए मेरा बहुत कुछ जो प्लानिंग थी तुलसी विवाह और करने की सब कुछ, तो वो नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। और तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है हमारे पास। तो उस सिलसिले में हम पार्टी भी करेंगे, है ना। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कुछ अच्छा बना नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। पहले तो गैस करो क्या हो सकती। तो ईलू से रिलेटेड है वो गुड न्यूज़। तो अभी वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए ये ही मेरी हेल्प करेगी। अभी खाना बनाने जाऊंगी किचन में, और फिर इसके पापा कुछ मीठे में कुछ लाने वाले हैं, उनको भी हमने बता दिया है। और मैंने इंडिया में एग्ज़ाम में टॉप किया है।
ये फेक न्यूज थी, असली वाली हम बताते। असली वाली न्यूज ये है कि ईलू का चैनल, गुड न्यूज ये है कि ईलू का चैनल मोनेटाइज हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेल आया था। एक्चुअली इसका चैनल काफ़ी पहले ही मोनेटाइज हो जाता, वॉच टाइम हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, बट क्या ना, हमने इसका एडसेंस अकाउंट ही नहीं बना रखा था। तो इसकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो गई थी, एक वो ब्रेड डोनट वाली काफ़ी वायरल थी, तो वॉच टाइम कब का हो चुका था। और ब्रेड केक वाली, ब्रेड केक रूटीन भी कुछ इसके वायरल थे। अब तो इसने वर्क बहुत कम कर दिया है करना। तो ऐसे करके कल फिर एडसेंस बनाया, तो इसका रिव्यू में गया और आज मोनेटाइज हो गया इतनी जल्दी। हाँ, क्योंकि इसका सब कुछ कंप्लीट था, बस एडसेंस अकाउंट नहीं बन रखा था, इसलिए इसका रिव्यू में नहीं जा रहा था। तो ये थी गुड न्यूज़, मैंने आपको बता दी। अब 8:15 हो चुके हैं और मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है, तो ये चलेगी मेरे साथ किचन में। और हाँ, सब्जी और रोटी का कुछ करेंगे, पापा आएंगे इसके, तो अगर मुझे दर्द ज़्यादा रहा तो वो रोटी बना लेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।